उज्जैन जिले के कर्णावत ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे थे। ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मी के समय स्थानीय ग्रामीण जनों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में शिकायत कर समस्या बताई थी और अब नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनने का काम शुरू हो चुका है। पाइपलाइन भी डलना शुरू हो चुकी है, साथ ही मुख्य सड़कें बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सड़क बन जाने से और पानी की टंकी बन जाने से ग्रामीणों की दोनों ही समस्याओं का निदान हो जाएगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भाई साहब, यह कौन सी ग्राम पंचायत है और पानी को लेकर किस प्रकार से काम किया गया और क्या रहा? ग्राम पंचायत कर्णावत है और पानी की तो समस्या पूरे गांव में थी सर, इसीलिए वो घर घर तक नल पहुंचाने का काम किया हमने। अच्छा, नल जल के माध्यम से? नल जल से माध्यम से। अच्छा, अभी कोरोना वायरस महामारी चल रही है तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या है? व्यवस्था सर, सैनिटाइजर वगैरह में 2-3 मरतबा गांव में भी, पूरा गांव में, गांव की सड़कों ऊपर सभी दूर मतलब व्यवस्था 2-3 मरतबा में छिड़काव किया है इसके लिए। और जैसा कि लोगों की समस्या खत्म हो, रोड बन सकें, नालियां बन सकें, उसको लेकर क्या रहा और क्या हुआ? करीब करीब रोड तो हमारा गांव में 95% हुई है, 5% कोई सड़क बाकी रही है। अच्छा, सामुदायिक शौचालय भी एक कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, वो भी नहीं था बड़े हमारे नई आबादी में। आपका कहाँ रहते हैं? मेरा नाम राय सिंह अंजना जी, कर्णावत। भाई साहब बताइए, जैसा कि गर्मी का समय है, पानी की समस्या का निजात हो उसको लेकर किस प्रकार से काम किए गए और साथ ही लोगों की आने जाने की समस्या खत्म हो उसको लेकर किस प्रकार से काम किए गए और क्या रहा? ग्राम पंचायत सरपंच के हमारे बालू सिंह जी आंजना, राधा भगपति बालू सिंह जी आंजना है, उनके द्वारा ग्राम पंचायत कर्णावत में नल जल योजना में जो पानी आ रहा है उसमें पानी की समस्या थी, तो हमारे सरपंच साहब ने उसकी व्यवस्था की है गाँव वालों को और अभी टंकी भी स्वीकृत हो गई है नल जल योजना वाली, उसका भी लगभग काम चल रहा है, 6 महीनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पानी की निजात का जो मामला है ये तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो जाएगा पानी वाला मामला। तो दूसरा हमें बताया जाता है कि हमारे सरपंच साहब ने जो विकास कार्य किए, नाली निर्माण, सीसी रोड, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत नई बनी हुई है, स्कूल के बारे में जो भी विकास कार्य है वो बहुत अच्छे विकास कार्य करे हमारे सरपंच साहब ने, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवा सरपंच को जो काम किए हैं ऐसे प्रणाम को आसपास जो भी है उनको प्रणाम लेनी चाहिए कि हाँ सरपंच साहब ने कुछ कार्य किया। और ग्राम पंचायत में अन्य सुविधा जैसे लेट बात है, लेटिंग बाथरूम पूरी हो चुकी है, करीब करीब कोई भी घर बाकी नहीं है, सब ग्राम पंचायत द्वारा लेटिंग बाथरूम का कार्य किया गया है, अभी एक शौचालय बना है उसको हो गया, कंप्लीट हो गया है, आंगनवाड़ी बनी है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो सरपंच साहब द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है हमारे ग्राम पंचायत सरपंच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।